Professor Anil Sahastrabuddhe, Chairman of AICTE. So actually, he doesn't need any introduction, but briefly I'll tell to the participants about his background. So he did his PhD from IISc Bangalore, and prior to AICTE's stint, he was professor at IIT Guwahati of Mechanical Engineering. So he started his position in 2015 as Chairman AICTE, so till now. So yeah, Sir Anil Sahastrabuddhe. Yeah. Good morning, Namaskar. Sir. सभी को प्रणाम नमस्कार. आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के दिन हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर पीजे नारायणन जी को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे न्योता दिया था आने के लिए, और कोई कारणवश यहाँ अलग अलग कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सका, इसलिए माफी मांगता हूँ. प्रोफेसर राजीव सांगल जी का मेरा परिचय काफ़ी सालों से है. थोड़ी उनके बारे में मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा कि राजीव जी जब IIIT हैदराबाद के डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर के नाते थे, तब एक दिन मुझे प्रोफेसर के बारे में डॉक्टर FC कोहली से एक ईमेल आया था कि आप उनसे मिलना चाहिए. तो मैं डॉक्टर राजीव सांगल को पहले से जानता था, वैसे कानपुर IIT से वो ग्रेजुएट और MS PhD करके वहाँ से थे, और IIIT हैदराबाद में वो डायरेक्टर है, ये सब जानता था. लेकिन किस सिलसिले में वो मुझे मिलवाना चाहते थे इसका मुझे पता नहीं था. तो मैंने एक ईमेल भेज दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनली पुणे में आए थे जहाँ मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में डायरेक्टर था, और हमारी बातचीत हुई. टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत सारे सोचते रहते हैं कि कैसे रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, वो खुद ट्रांसलेशन टूल्स के बारे में हो या लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज के बारे में हो, कार्य कर रहे हैं. और उसमें भी बाद में मेरा और उनका परिचय होते रहा अलग अलग प्रोग्राम्स में, कमिटीज़ में. लेकिन उस दिन की चर्चा जो थी उन्होंने जो ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए IIT कानपुर में प्रयोग हुए थे, UPTU में हुए थे, IIT दिल्ली में हुए थे, और अनेक जगह में BHU में हुए थे, तो वो सारे प्रयोगों का मिलन करते हुए कैसे हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग देम टू अडॉप्ट फोर्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो एक छोटी सी किताब बनाई थी, उन्होंने मुझे भेंट दी, और वो पढ़ने के बाद मन को इतना छुआ कि ये सही ढंग से छात्रों को. अभी अभी मैं थोड़ा लेट आ गया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, डॉक्टर पवन गुप्ता जी का भाष्य मैं सुन रहा था कि उन्होंने जिस ढंग से हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति और कैसे हम बिखरे गए हैं इसके बारे में जो जो कहा, वो सब तथ्य इन वे हमको स्टूडेंट्स को ऐसा करो न करो बोलने के बजाय उनके सामने हम वस्तु स्थिति को पेश करेंगे, तो उनको ही आत्मचिंतन करने के लिए हम प्रचोदित करेंगे. एंड थ्रू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड सम ऑफ दोज पीपल हु आर हैंडलिंग सच काइंड ऑफ कोर्सेस, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल. और प्रोफेसर राजीव सांगल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ लुक एट हिज ड्रेस. उसके बारे में भी पवन गुप्ता जी कह रहे थे कि बाहर का दिखावा क्या, तो अपना आंतरिक जो है वो बाहर अपने आप आ जाता है, बाहरी ड्रेस से कुछ नहीं होता है. तो इतना सीधे साधे उनका संयम पूर्ण जो रहना है, वो सब देखने के बाद किसी को भी लगता है कि ये मेरे गुरु है, तो ये भावना अपने आप ही आ जाती है. तो वैसे ही हुआ, डॉक्टर FC कोहली ने उनको मेरे पास भेजा था, हमने बातचीत की, उसके बाद हमने एक प्रयोग हमारे यहाँ भी किए और हमने शेयर किए हमारे एक्सपीरियंसेस को. उसके बाद मुझे थोड़े ही दिन में यहाँ AICTE में चेयरमैन के रूप में जब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, तो पहली बात हमने कहा कि छात्रों में एक अलग निर्माण ऊर्जा करने की ज़रूरत है. तो हम स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम दोनों IIT से है, IIIT में उन्होंने भी देखा है कि छात्र जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनके मन में इंजीनियरिंग के बारे में तो ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन एक ही एक उनके मन में रहता है कि मुझे ये 4 साल होने के बाद कौन सा कितना बड़ा पैकेज कौन से इंडस्ट्री में मिलेगा. आप 10 स्टूडेंट को पूछिए तो 10 में से सारे के सारे करीब करीब
एटलीस्ट हम हाफ नहीं कर सकते, इसलिए मैं 9.5 नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 9 से 10 सारे लोग यही बताएंगे कि हमको पता नहीं था इंजीनियरिंग क्या होता है। हमारे बुजुर्गों ने, पिताजी माँ या घर के किसी रिश्तेदार ने हमको कहा कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, इसलिए हमने लिया। वहाँ भी वो दुखी होते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गया, मुझे मैकेनिकल मिल गया, और IIT में नहीं मिला इसलिए मुझे ये इस कॉलेज में आना पड़ा। तो ये दुख भरी कहानी ही सब लोग बताते हैं। और मुझे इसके बाद जो भी जहाँ भी आया हूँ, मुझे पैकेज क्या मिलेगा, वो IIT से लेकर NIT से लेकर ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के मन में यही होता है। और हमारा समाज के प्रति क्या भावना होनी चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में ना कोई बताता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वी ऑल नो अबाउट आवर राइट्स, बट वेन इट कम्स टू नोइंग अबाउट आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी आर वेरी जीरो। हमको किसी ने कहा ही नहीं है और हम बिखर गए हैं। तो इसलिए ये जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से जो हम छात्रों को पहले साल में जब आते हैं तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए अलग से जो हमने एक पहल की है, उसके न्याता धर्ता कर्ता सब प्रोफेसर राजीव सांगल जी है। तो उनके वजह से हमने ये AICT में स्टार्ट किया और उन्होंने ये पूरा फॉर्मुलेशन करने में हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। उसके सहारे हम आगे आज बढ़ रहे हैं और आज करीब करीब 9,000 के ऊपर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें से 3,500 तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, करीब 2,500 पॉलिटेक्निक्स है, और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के भी 2,500 है, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट। हमने सबको कहा है कि सब कॉलेजेस में ये होना चाहिए। इसका पर्पज़ ये है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं, हमने हर कॉलेज में देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स गरीब परिवार से आते हैं तो कोई बहुत ही अच्छी रिच परिवार से आते हैं, तो कई गांव से आते हैं, तो कोई शहरों से आते हैं, कोई अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ के आते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तो कोई तमिल, तेलुगु में, कन्नड़ा में। तो ये सब लोगों को एक साथ जोड़ना और सभी को ये रियलाइजेशन कराना कि सब में कोई ना कोई खूबियां हैं, एवरी वन इज गिफ्टेड विथ समथिंग एंड एवरी वन इज डिवॉइड ऑफ समथिंग। ये जब अप्रोच हम उनके मन में लाते हैं तो नेचुरली कोलैबोरेटिव अप्रोच शुरू होता है कि एक दूसरे की मदद करने की संभावना बढ़ जाती है। और मैं से जो अगेन मैं पवन गुप्ता जी की बात सुन रहा था कि मैं से हम उस तरफ की जो जर्नी है, वो विचार है, उनके मन में धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक से लेकर पहले तो अपनी फैमिली है, घर वाले हैं, माँ पिताजी है, भाई बहन है, उनके बारे में भी सोचना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज के सारे अंग के लोगों को, भले वो कौन से भाषा के हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं, कोई फटा हुआ भी हो सकता है, कोई अच्छा पहना हुआ है, तो ये सभी लोगों को हम एक दूसरे को साथ जोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रयोग जो शुरुआत की है वो तो मेरे ख्याल से करीब करीब 2,000 के ऊपर कॉलेजेस ने इसको अडॉप्ट किया है। और वहाँ हमको बहुत ही खूबी से नए नए प्रयोग वहाँ किए जा रहे हैं। हमारे 9 मॉड्यूल का इवन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, 1 हफ्ते का चलता है, 10 दिन का चलता है, 15 दिन का चलता है। पैंडेमिक में भी हमने उसको बंद नहीं किया, पैंडेमिक के दौरान भी हमने करीब करीब 1 लाख टीचर्स को इसमें ट्रेनिंग दी है और अपने अपने कॉलेज में ये सब चला रहे हैं। तो इसलिए हारमोनी बिटवीन इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल टू सोसाइटी, और आज एक भयानक वातावरण जो समाज में दिखाई दे रहा है, तो उसका सोल्यूशन ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से ही हो सकता है। इसकी और भी गहराई से हमको प्रचिति हो रही है, जो हम अभी पिछले कुछ दिनों में जो अलग अलग जगहों में से जो विचार आ रहे हैं और कुछ घटनाएं हो रही है, उसमें मन बहुत ही दुखित हो गया है। और इससे बाहर आना है तो हमारे शिक्षा जगत में, स्कूल से लेकर, हाई स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, और हमारे टीचर्स, सभी लोगों को इसके साथ जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है। ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ये सब चीज़ें इसी जरिए आ सकती है। और हमने अभी और एक चीज़ देखी कि 2 साल हो गए भारतीय शिक्षा में एक नया उगम आ रहा है कि नई शिक्षा नीति आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये राष्ट्रीय है, इसमें पूरे राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में है। शिक्षा यानी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट मेयरली फॉर गेटिंग ए डिग्री
उसके ऊपर उठ के जाना चाहिए। इसलिए इस शिक्षा के माध्यम से हमारे मिनिस्ट्री का भी नाम बदल गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जगह अभी असली जगह में शिक्षा, रियल एजुकेशन, एंड रियल एजुकेशन नीड नॉट बी थ्रू आवर डिग्रीज, पेपर डिग्रीज, बट जो हमारे गांव में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो खुद ही शिक्षित है, भले उनको लिखना आता नहीं होता लेकिन वो अपने समाज में अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी को भी तकलीफ न देते हुए दूसरों के साथ जोड़कर काम कर रहे, वही सच्ची शिक्षा है, दैट इज द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। उसके बारे में भी नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें भी जिक्र किया गया है, उसके साथ साथ मानवीय मूल्यों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। बहुत बार हमको लगता है कि पूरा साइंस जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे पास आया है, ऐसा नहीं है, हमारे देश में ही साइंस का उगम, विज्ञान का उगम हुआ था, वो भौतिक शास्त्र हो या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, यहाँ से बाहर गया, वहाँ और विकसित जरूर हुआ लेकिन उसका शुरुआत जो है यहाँ से हुई थी। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में भी हमारे छात्रों को पता होना चाहिए। आयुर्वेद जैसा जो शास्त्र है, जो मेडिकल केयर है, तो वो भी यहाँ से हुआ था। आर्किटेक्चर हो, टाउन प्लानिंग हो, तो ये सब चीज़ें भी हमारे छात्रों को बताने की जरूरत है। और कैसे हम क्लासेस में एक इनोवेटिव मॉडल लाएंगे और पुराने जमाने में जो हम गुरु शिष्य परंपरा कहते थे वैसे ही, हाउ ईच टीचर कैन बिकम हाईली इंटरैक्टिव विथ स्टूडेंट्स। बहुत बार ये दुख होता है कि हम जब हमारे टीचर्स को पूछते हैं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो 50 है, 60 है, 100 है बता देते हैं। हायर एजुकेशन में 60, 70, 80 भी होते हैं, स्कूल में हो सकता है 40, 50 है। स्कूल के टीचर को आज भी पूछेंगे तो करीब करीब बहुत सारे टीचर बताएंगे कि उनको सारे छात्रों का नाम पता है, लेकिन आप कॉलेज में जाके पूछिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पूछिए, आपके क्लास में के 100 के लोगों में, 80 लोगों में कितने लोगों की जानकारी आपको है, वो बोलेगा 3-4 लोगों की है, ये जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वैसे एक दो स्टूडेंट को हम अपने रूम में बुलाते हैं, उनका हमको नाम पता है, और दो लास्ट बेंच में बैठ के कभी कभी हंगामा करते हैं क्लास में, तो पनिशमेंट देने के लिए उनका नाम पूछा जाता है, तो उनका नाम पता है, बाकी से हमारा कोई लेना देना रिश्ता नहीं है। ऐसा जो सिस्टम आ गया है उससे भी बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। हमारे सारे क्लास के हर व्यक्ति, उसका सिर्फ नाम ही नहीं, उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, उनकी कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आए, कोई घर में कौन सी भाषा बोल रहा है, उसका यानी परवरिश कैसे हुई है, उसके हिसाब से उसका रिएक्शन होते रहता है, हम उसको कैसे बदल सकेंगे, उसमें मॉल्डिंग कैसे कर सकेंगे, ये हर शिक्षक का एक बहुत बड़ा धर्म है, और ये धर्म हम नहीं कर रहे, इसलिए समाज में बहुत सारी दिक्कतें आज आ रही है। तो इसलिए मातृभावना से हर छात्र को वो ही लव, अफेक्शन, केयर, सिंपथी नहीं है लेकिन एम्पथी दिखाने की बहुत जरूरी है, और ये सब यदि हम करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा शिक्षा में अलग वातावरण निर्माण होगा, हम एक बहुत अच्छा देश बना सकेंगे। और इसके लिए जो प्रोफेसर राजीव सांगल जी ने अपने अपने जिस ढंग से भी कर सकते उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया था, वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में भी रह चुके हैं, लॉट ऑफ ट्रांसलेशन मिशंस जो है उसमें भी रह चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही सीधे साधे लीडिंग बाय एग्जांपल के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। उनको मेरी बहुत भरी यानी आगे के जीवन के लिए है, रिटायरमेंट तो इनको नहीं होता है, सी ये सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट सब शब्द जो है ना, ये बाकी लोगों के लिए है जो एक जॉब के रूप में लेके जो काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट होता है। प्रोफेसर राजीव सांगल जैसे व्यक्ति को ये रिटायरमेंट नहीं है, एक नया कार्यक्रम करने के लिए, नया कार्य करने के लिए, नए उमंग से ऊपर उठकर और ज्यादा काम करने के लिए बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि अभी हम जकड़े हुए थे एक जगह में, अब वहां से बाहर निकल के हम और कुछ कर सकते हैं, ऐसी एक नवी उम्मीद के साथ वो बाहर जाएंगे, ऐसे कहते हुए उनके I wish him and his family lot of good health. I will not say prosperity. He is already prosperous. Lakshmi already जितनी चाहिए उतनी हमको sufficient है, उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत ही नहीं है। Pension जो मिलता है हमको उससे काफ़ी काम चल जाता है, लेकिन सेहत अच्छी रहे और अच्छा काम करने के लिए भगवान उनको और कृपा करे, ऐसे कहते हुए मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।